और अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने आरएसएस चीफ से 5 सवाल पूछे। ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखी है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि 75 साल से ऊपर वाले नेताओं के रिटायरमेंट होने वाला नियम पीएम मोदी पर लागू क्यों नहीं है? बेईमानी से सत्ता हासिल करना क्या आरएसएस को मंजूर है? क्या ईडी सीबीआई का सियासी इस्तेमाल आरएसएस को मंजूर है? उन्होंने पूछा कि घोटालों के आरोपियों के साथ सरकार क्यों बनाई? केजरीवाल के मुताबिक क्या वाकई में बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है? केजरीवाल ने कहा कि हर देशवासियों के मन में ये सवाल कौंद रहे हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि संघ प्रमुख इस सवालों पर विचार करेंगे और लोगों को इस सवालों का जवाब देंगे। इससे पहले भी केजरीवाल ने आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते पर सवाल उठाए थे। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया?